Subscribe to Idiotic Dunya and press the bell icon so you don't miss any other update. Hey yo, what is up peeps? Welcome back again to Idiotic Dunya. So, आ गया हूँ मैं वापस. मेरे बालों को जज मत करना बिल्कुल भी. मतलब क्योंकि काफी डरावनी प्रकार से ग्रोथ है कान वान में घुस रहे हैं. क्योंकि अभी हम बाहर तो जा नहीं सकते बाल काटने. और जब बाल काटने वाला आया था तभी मेरे बाल काफ़ी छोटे थे. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि मतलब मैं जो ये इंट्रो देता हूँ मेरा, हे यो व्हाट इज़ अप पीप्स वेलकम बैक अगेन टू इडियोटिक दुनिया, ऐसा उसका मैं ऐसे ही होगा. डैम तो अभी कुछ काम है नहीं तो गूगल ट्रांसलेटर ट्राई किया मैंने. मतलब तुम लोग को सुनाना चाहूँगा मैं ये चीज़. मज़ा आया है, जिंदगी सफल हो जाएगी तुम्हारी सुन लोगे तो. ये अपना इंट्रो ठीक है. अरे यो क्या हो रहा है, पीपल का स्वागत है फिर से मुहावरेदार दुनिया के पास. जी जी हाँ, पीपल का स्वागत है फिर से इस मुहावरेदार दुनिया में के साथ. तो ये अब होगा अपना नया इंट्रो. मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, तुम लोग भी ट्राई करो कुछ अच्छा हो तो. तो मेन पॉइंट पे आते हैं गाइस. टुडे वी आर गोइंग टू डू ए क्यू एंड ए वीडियो जो बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स करते हैं. थैंक यू. और एक्चुअली मुझे क्वेश्चंस आए, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कि मुझे कोई कुछ पूछेगा, लेकिन थैंक यू. उससे सारे लोग तो मेरे दोस्त ही है. कोई बात नहीं, उन लोग भी सब्सक्राइबर्स ही अपने. तो पूछा है मुझे बहुत लोगों ने, बहुत तो नहीं बोल सकते, मतलब दुख भरी बात तो है. अभी क्या करें, मतलब है पूछा है मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं थोड़े बहुत. तो आज हम उनका सच सच जवाब देंगे, है कि नहीं? तो लेट्स बिगिन. ओके गाइस, अगर किसी का क्वेश्चन मैंने ऐसे लीव कर दिया या ऐसा कुछ हो गया तो ऐसा मत सोचना कि यार तूने हमारा क्वेश्चन छोड़ दिया वगैरह. ऐसा कुछ नहीं है, अपन क्योंकि ऑलमोस्ट सबके क्वेश्चन सेम ही है. तो मैंने किसी एक का उठा लिया जो चलो अभी लग गया ठीक, वो उठा लिया ऐसे ठीक है. तो बुरा मत लगाना, आई लव यू गाइस ऑलवेज. इडियोटिक प्रूफ्स, हैशटैग इडियोटिक प्रूफ्स फॉर लाइफ. सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब करो जाके चैनल को मेरे न्यू लुक के लिए. काफ़ी भद्दा सा लुक है, मतलब रज नहीं करना. फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी ही दोस्त देविका का. Where you look yourself after 10 years? अभी जिस प्रकार चीजें चल रही है, मतलब लॉकडाउन फिर कॉलेज बंद, वो तो बहुत बढ़िया चीज है. मतलब कॉलेज बंद है वो, हाँ मतलब 10 साल के बाद मैं खुद को कहाँ देखता हूँ. मैं खुद को एक घर में देखता हूँ, ऐसा विजुअलाइज करता हूँ. मेरा अच्छा सा घर होगा, मैं सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा हूँ और टीवी में चल रहा है इडियोटिक दुनिया का न्यू वीडियो. मैं खुद ही देख रहा हूँ उसको, क्योंकि कोई देखना तो है नहीं. सीरियस नोट, आफ्टर 10 ईयर्स आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज एन इन्फ्लुएंसर. कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ कि तुम लोग भी अपना मतलब खुद का कुछ करो, जो हो सके खुद से करो, दिल से करो, जो खुद को पसंद है वो करो. बस वही, आई लुक माई सेल्फ एज ए गुड इन्फ्लुएंसर, एज ए यूट्यूबर. जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ. मैं नहीं छोड़ना चाहता ये चीज़ को, क्योंकि आई लव डूइंग दिस. सो दैट्स ऑल, आई सी माई सेल्फ एज ए गुड पर्सन. आई वॉन्ट टू हैंडल माई फैमिली. तो इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर आंसर तो कमेंट कर देना. देविका बहुत सारा प्यार तुमको, मेरे सब्सक्राइबर्स को. तो अपने लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्या_राणे, शाउट आउट टू यू.
और इसने हमें पूछा है हाउ यू मीट देविका, मतलब हाउ डिड यू मीट देविका, ऐसा क्वेश्चन पूछा है इसने। अभी मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा कॉलेज का नॉर्मल ऐसा दिन था और मैं कुछ ज़्यादा लड़कियों से बात बात नहीं करता, सख्ती से रहते। अपन जाकिर खान के फैन हैं तो अपन लड़कियों से ज़्यादा भीड़ में नहीं जाते, अपन अपने इसमें रहते, ठीक है, तो सख्ती से थे अपन। और मेरी इससे फ्रेंडशिप हो गई, मतलब ऐसा कोई लाला लाला ला वाला बैकग्राउंड सीन वगैरह नहीं था। तो नॉर्मल फ्रेंड्स कैसे मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं वैसे मिल गए और हो गई अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हमारी। और फिर उसने मुझे हेल्प करना चालू कर दिया मेरे चैनल के लिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आई होप यू गॉट योर आंसर। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीशा गोहिल माय फ्रेंड, मेरी दोस्त, उसने क्वेश्चन पूछा है डज हाउ आर यू काउंट, डज हाउ आर यू काउंट। भाई इसका मतलब तो पता नहीं चल रहा। अंग्रेजी इतनी पावरफुल नहीं है ना हमारी, तो समझ नहीं आ रहा है क्या पूछा हुआ है। अगर तुम समझ आए तो कमेंट करके बता दो क्या पूछने जाती है लड़की, और क्या बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या पूछ रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Vedu_007, he is my good friend, छोटा है वो मुझसे लेकिन he is a good guy। उसने पूछा है कि from whom did you get inspired for creating YouTube videos? By the way, love your videos. Thank you boy, thank you lots of love, hashtag idiotic proofs for life। सब्सक्राइब कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ hashtag idiotic proofs for life। सब्सक्राइब कर जाके काफी कम सब्सक्राइबर्स है। फ्रॉम होम डिड यू गेट इंस्पायर्ड, तो मतलब ऐसे इंस्पायर तो किसी एक बंदे से नहीं हुआ हूँ मैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखता था, मजा सा आता था, मैंने सोचा कि इन लोग वीडियोस तो डाल दो, इन लोग को फायदा क्या होता है, ऐसे अपने को पहले पता नहीं था ना, तो मैंने सर्च किया कि चलो इनकी लाइफ ही देख ले। तो भाई मतलब अच्छा खासा कमा लेते हैं इन लोग यूट्यूब पे वीडियोस डाल के, तो मैंने सोचा कि अपन भी कुछ ऐसा करते हैं, लोग अपने को जानने भी लग जाएंगे, कुछ अच्छा कर रहेंगे लाइफ में, तो चलो मतलब जिंदगी में उखाड़ ही लेंगे कुछ में। ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं हमसे, इसलिए हमने यूट्यूब ज्वाइन किया, ठीक है, अपने बीच में रखना। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज ब्रो, लॉट्स ऑफ लव, ऐसे ही प्यार करते रहो हमसे, हम आपसे बड़ा बहुत चाहते हैं, हम अपने सब्सक्राइबर को दिल ने अच्छावर कर देंगे हम अपना, ठीक है। अगला सवाल है हमारे दोस्त की ही तरफ से, कोरोना पर आपके सुविचार, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। हमारे सुविचार ऐसे है कि कोरोना गो गो कोरोना, लाइफ खराब कर दिया रही है चाइना, मतलब तुम लोग एक चीज ढंग की नहीं बना सकते, मतलब तुम्हारी चीज चलती नहीं है चाइना का माल, और तुम लोग ने वायरस ही बना दिया एकदम, मतलब टिका दिया उसको इतना, 40,000 to 50,000 का इधर पे हो गया जिनको कोरोना हो गया। भाई पट्टी पड़ी है भाई, सही बोलूँ तो पॉजिटिव कुछ एस्पेक्ट नहीं है, पॉजिटिव एक ही चीज़ है, घर पे बैठो खाओ बस, और तोंद निकली आ रही है घर पे बैठे बैठे, और कुछ हो नहीं रहा, तो बस यही विचार है हमारे, और क्या, हमारे जैसे छोटे इंसान को कौन पूछता है इस विचार, बस आपने पूछ लिया बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ लव टू यू माय बॉय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे कॉल मी _ओमी, ही इज माय फ्रेंड, ये भी मतलब ऐसा बहुत अच्छा दोस्त नहीं लेकिन दोस्त है, मिलते हैं हम लोग कभी कभी। तो व्हाट्स ए बॉडी पार्ट
you wouldn't mind losing. What is the body part I wouldn't mind losing? भाई सच बताओ, मैंने जो आईफोन लिया हुआ है ना, तुम उधर समझो 740. I did not mind losing it for this phone. तो बस वे मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं, मेरा सब कुछ ठीक है तो मैं क्यों कौन सा बॉडी पार्ट अपना ऐसा वुडन माइंड लूजिंग करूँ. नहीं मैं, मेरे को ऐसा भी, हाँ मरने के बाद मैं अपने आँख डोनेट करना चाहता हूँ कि जब मैं मरूँ तो किसी को मेरे आँख ही मिल जाए, बेचारे अंधे का भला हो जाए. सो भाई लॉट्स ऑफ लव टू यू टू ओमी माय बॉय. सो नेक्स्ट इज यश बारोट, माई फ्रेंड यश बारोट पूछता है दो क्वेश्चन है इसके. एक तो डांस वीडियो कब पोस्ट करेगा यूट्यूब पे. भाई डांस वीडियोस, मैं कुछ ऐसा सॉन्ग डाल देता हूँ छोटा सा डांस, क्या ऐसा नॉर्मल वीडियो का, तब मेरे को कॉपीराइट इश्यूज आ जाते, कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं भाई वो वीडियो में. स्ट्राइक नहीं आता, क्लेम आ जाता है. अभी तक इतने ऊपर नहीं पहुंचे कि स्ट्राइक ही आ जाए वीडियो में, तो अभी तो नहीं, मतलब फिलहाल तो नहीं करूंगा मैं कोई भी ऐसा डांस वीडियो. मैं सोचूंगा फ्यूचर में अगर मेरा अच्छा चल रहा होगा सब कुछ तो मैं डांस वीडियोज भी डालूंगा. अच्छा ही चलेगा वैसे तो, भगवान की कृपा से, हमारे गणपति बप्पा मोरिया की कृपा से सब अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि हम मेहनत करे जा रहे हैं और वही आई बिलीव इन हार्ड वर्क. सबको मेहनत करनी चाहिए जिंदगी में. तो वही अगर आगे जाके मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे डांस वीडियोज अपलोड करनी चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा भाई. चार्ट ऑफ यू मार्गो लॉट्स ऑफ लव. और इसका दूसरा क्वेश्चन है यूट्यूब एज ए करियर और जस्ट फॉर फन. देखो भाई, मज़े के लिए कोई भी चीज़ नहीं करता इंसान, मतलब ऐसे मज़े के लिए तो कोई करता नहीं. टिकटॉकर्स करते होंगे, नो ऑफेंस टिकटॉकर्स, मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ टिकटॉक को, बहुत अच्छे होते हैं टिकटॉकर्स. मैं खुद टिकटॉक देखता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उन लोग को पैसे मिलते हैं नहीं मिलते पता नहीं. यूट्यूब पे तो मिलते हैं, तो एज ए करियर ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मेहनत करूँ तो मेरा चैनल ग्रो होगा और वो चैनल ग्रो होने पर मुझे इनकम आने लगेगी अच्छी खासी. तो इफ आई गेट टू अर्न ए गुड इनकम, डिसेंट इनकम, सो वाई नॉट यूट्यूब चूज एज ए करियर टू मी. बद्दी सिंह बोल रहा हूँ, माफ कर देना. सब्सक्राइब जरूर करना लेकिन मुझे प्लीज, आई लव यू ऑल. और वापस हमारी देविका पटेल ने हमसे एक क्वेश्चन किया है, हमारे मित्र, हमारी खास मित्र. उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज योर वाइल्डेस्ट फैंटेसी. सो वाइल्डेस्ट फैंटेसी मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ पता है, वाइल्डेस्ट फैंटेसी में ऐसा शेर बैठेगा ना उसके बाजू में जाके बैठना चाहता हूँ, जो मुझे पहचानता भी नहीं और वो जो खा रहा होगा मैं उसमें मुंह डाल के खाना चाहता हूँ. ये है मेरी वाइल्डेस्ट फैंटेसी. Oh my God! Wow! एक्चुअली बात नहीं है देविका, ऑफेंड मत हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है. वाइल्डेस्ट फैंटेसी मेरी है मतलब मुझे पूरा वर्ल्ड टूर करना है. ऐसे तो मुझे पूरी पूरी दुनिया नहीं घूम सकते एक जन्म में. अब जितने नोन स्पॉट्स है, वेल नोन स्पॉट्स है पूरी दुनिया में, मुझे वहाँ जाना है और वो सब जगह पे मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना है. समझ जाएगा ना तुम क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देविका समझ जाओगे. इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया नहीं, जैसे तो अच्छे अच्छी जगह पे घूमना चाहता हूँ मैं, बस यही है मेरी वाइल्डेस्ट फैंटेसी. सो दैट्स इट गाइस, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे. आई होप तुम लोग को अपने
सवालों का जवाब अच्छे से मिला हो। मतलब मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से कि मैं अच्छे से दूँ, थोड़ा वीडियो एंटरटेनमेंट भी करने का ट्राई किया। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो यार, किसका वेट कर रहे हो तुम लोग, लाइक करो वीडियो को, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, नहीं शेयर करना बनता है, मतलब जब तक तुम शेयर नहीं करोगे ना वीडियो को तब तक वीडियो लोग देखेंगे नहीं, तो मतलब ऐसे कहाँ से आएंगे ब्रो, तुम समझ रहे हो, पैसे नहीं आ रहे यूट्यूब से, पैसे भी जाने चाहिए सिर्फ वीडियो डाल के, मतलब नहीं मतलब तो है वैसे पैसे भी आ रहे, तो दोस्तों के साथ शेयर करो यार ये वीडियो, मज़ेदार लगी तुमको एकदम मजा सा आ गया वीडियो देख के, तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी वीडियो, और अगर तुमको और Q&A के लिए क्वेश्चंस हो तुम्हारे पास तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना यार वो, और सब्सक्राइब कर दो, यही तो हमारा मेन मोटो होता है, मतलब तुम कुछ करो ना करो वीडियो आके पहले वीडियो जैसे देखी ऑन करो, सब्सक्राइब पर क्लिक करो और बेल आइकन को ऑल पर दबा दो, बस ये अपना मोटो है, सब्सक्राइब कर दो। क्या कर रहे अब तक तुम लोग ने इडियोटिक दुनिया को हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्च करके देखे मुहावरेदार दुनिया, जी हाँ इडियोटिक दुनिया का मतलब है मुहावरेदार दुनिया, तो मुहावरेदार दुनिया को तुमको मुहावरे चाहिए कि नहीं जिंदगी में, मुहावरों के लिए सब्सक्राइब कर दो यार तुम पहले जाके, और हमारा हर बार का डायलॉग तुमको पता है आउट्रो, बकल अप गाइस फॉर अपकमिंग वीडियोस, बाय बाय।